और आप देखेंगे, देखिए पीछे का मंदिर भी एक दफा देख लिया आप किस अंदाज से। और देखिए कुछ लोग और लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं देखाऊंगा अभी आपको कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको। जाहिर है कि हजरत सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की मुबारक दरगाह, मुबारक आस्थाना, वहां पर आप जैसे मुबारक लोगों की आमद, बड़ा रूहानी मंजर है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आज? हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रजी अल्लाह ताला अन्हु से अकीदत का भी मेरा ताल्लुक है और खूनी रिश्ते का भी यूं ताल्लुक है कि मैं बराउन शरीफ से ताल्लुक रखता हूं और बराउन शरीफ का खानवादा हजरत के चचा हजरत सैयद सैफुद्दीन सुरखरू सालार की औलादों में से है। बरसा बरस से यहाँ की हाजिरी मेरे लिए सआदत और सरमाए इफ्तिखार की हैसियत रखती है और हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने 1000 साल पहले यहाँ इंसानियत के अकदार के तहफ्फुज के लिए जो कोशिशें की हैं, लाख उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे के बावजूद भी आज बिला तफरीके मजहब व मिल्लत पूरा भारत उनके आस्थाने पर गदागरों की तरह से। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ यहाँ पर, 11 साल की उम्र से लेकर नौजवानी तक जिस अंदाज की तालीमात को यकीनी बना दिया, बहुत कम देखा गया है कि एक बच्चे ने उन तमाम तर जाहिरी उलूम को आश्कार कर दिया और फिर बातनी उलूम की दुनिया में उसने बाकायदा तौर पर उन पैगाम को पहुंचाया, क्या कुछ करते? बड़ी मुनासिबत है, हमारा हमारी तारीख जो सूफियाए कराम की है, 18 साल की उम्र में हजरत ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने डाकुओं को कबूल इस्लाम पर मजबूर कर दिया था। 18 साल की जवानी में अपने खून के आखिरी खतरात को कुर्बान कर देने के बाद हजरत सैयद सालार मसूद गाजी ने न सिर्फ मानवता और इंसानियत की हिफाजत की बल्कि इंसानी अकदार के तहफ्फुज़ की अलामत बन गए। इंसानी अकदार के तहफ्फुज़ की अलामत बन गए और देखिए यही तो तहफ्फुज़ है, यही तो अलामतें हैं, यही तो इस्तारे हैं, यही तो तमाम तर नजरियात हैं जिनकी पासदारी